बच्चों, आज हम लोग सेक्युलरिज्म के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए हिंदी में वर्ड है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है ये समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का नेशनल सॉन्ग क्या है, तो आप बोलेगा कि सर वंदे मातरम। मैं पूछूंगा नेशनल एंथम, तो आप बोलेगा कि जनगण मन। मैं बोलूंगा नेशनल फ्लैग, तो आप बोलेगा सर ट्राई कलर, जिसको हिंदी में तिरंगा कहते हैं। मैं बोलूंगा नेशनल फ्रूट, तो आप बोलेगा मैंगो। मैं बोलूंगा नेशनल गेम, तो आप बोलेगा सर हॉकी। मैं बोलूंगा नेशनल फ्लावर, तो आप बोलेगा लोटस। मैं बोलूंगा नेशनल एनिमल, तो आप बोलेगा टाइगर। उसी तरह आप बोलेगा कि सर नेशनल फ्रूट मैंगो है, नेशनल ट्री जो है वो बनियान ट्री है, बरगद का वृक्ष है। लेकिन मैं पूछूंगा कि भाई इंडिया का धर्म क्या है, तो आप बोलेगा सर ये तो मुझे पता ही नहीं है। और ये पता होगा भी कैसे, क्यों? क्योंकि इंडिया का कोई ऑफिशियल जो है धर्म वो नहीं है। तो सेक्युलरिज्म जो है एक ऐसा सिनेरियो है, एक ऐसी परिस्थिति है जब एक कंट्री अपने आप को धर्म के से अलग रख लेती है। धर्म से अलग रख लेने का मतलब इंडिफरेंट होना नहीं है, वो ये नहीं डिक्लेयर करती है कि मेरा ऑफिशियल रिलीजन कौन सा है। जैसे नेपाल से अगर आप पूछिएगा कि भाई आपका ऑफिशियल रिलीजन कौन सा है, तो वो बोलेगा कि सर मेरा नेशनल रिलीजन जो है वो है हिंदुइज्म। आप वेटिकन सिटी से पूछिएगा, वेटिकन सिटी वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री है, तो वो बोलेगा कि मेरा क्रिश्चियनिटी है रिलीजन। मिडिल ईस्ट के बहुत सारी कंट्रीज से पूछिएगा कि आपका ऑफिशियल रिलीजन क्या है, तो वो कहेंगे कि मेरा ऑफिशियल रिलीजन जो है वो है इस्लाम। लेकिन इंडिया का ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अ कंट्री विच डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी रिलीजन, एक ऐसा देश जो किसी धर्म को ऑफिशियली प्रमोट नहीं करता है, वो सेक्युलर कंट्री कहलाता है, और इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। इंडिया अडॉप्टेड अ पॉलिसी टू सेपरेट द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट। भारत में प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है, जब हमारा देश आजाद हुआ, कि हमने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति को छोड़ दिया, हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं। द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इज नोन एज सेक्युलरिज्म। और ये जो सेपरेशन है रिलीजन का, धर्म का स्टेट से, स्टेट मतलब राज्य, यहाँ पर राज्य का सेंस देश से है, तो उसको हम सेक्युलरिज्म बोलते हैं या धर्म निरपेक्षता बोलते हैं। द स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड एन ईवल सोशल प्रैक्टिस विच इट बिलीव्स डिस्क्रिमिनेट्स एंड वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। राज्य जो है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी, तभी करेगी जब उसे लगेगा कि कोई बहुत बुरी प्रथा चली आ रही है और जिसके वजह से किसी भी व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों का हनन होता है या उसमें नुकसान पहुंचता है, या दो व्यक्तियों के बीच में, दो समुदायों के बीच में, दो ग्रुप ऑफ पर्सन के बीच में जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, तो फिर स्टेट जो है हस्तक्षेप करेगी। द इंडियन सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज एज इंडियन स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर्स। जो भारतीय धर्म निरपेक्षता है वो विश्व के अन्य देशों की धर्म निरपेक्षता से अलग है, क्योंकि भारत जो है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन बाकी देश नहीं। द टर्म सेक्युलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन बिटवीन द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री। और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति जो है वह आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि हम भेदभाव नहीं करते हैं और सबों के साथ समान व्यवहार होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। और इस तरीके से हम प्रजातांत्रिक रूप से काम कर सकते हैं। देयर आर टू चीफ रीजंस व्हाई द सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट इज इंपॉर्टेंट। और इसके दो मुख्य वजह है, इसके दो मुख्य कारण है। द फर्स्ट इज टू प्रिवेंट द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ओवर अनदर। पहला रीजन जो है वह यह कि एक धर्म वाले लोग
दूसरे धर्म वाले लोगों के ऊपर जो है वो डोमिनेट ना करें, उनका प्रभुत्व ना हो जाए, उनका वर्चस्व ना हो जाए। द सेकेंड इज टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू कम आउट ऑफ द रिलीजन। और दूसरा ये कि हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, शांति पूर्वक अपने धर्म को प्रोत्साहित करने का, उसको प्रोपोगेट करने की स्वतंत्रता है, अपने धर्म से जुड़े उत्सव त्योहार मनाने की स्वतंत्रता है। एंड इम्बरेस अनदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली। और आप जो धार्मिक शिक्षाएं हैं उनकी आप अपने ढंग से व्याख्या कर सकते हो, बशर्ते वो किसी को हर्ट ना करे। वी कैन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी विच अलाउड अपर कास्ट पीपल टू डोमिनेट ओवर लोअर कास्ट पीपल। हम जो है वो छुआछूत का एग्जाम्पल दे सकते हैं। और छुआछूत में क्या होता है कि जो ऊपर जात के लोग हैं वो नीचे जात के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। सेक्युलरिज्म अपोजिशन टू इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन मीन्स दैट इट प्रमोट्स फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिटवीन एंड विद इन रिलीजन्स। सेक्युलरिज्म में क्या है कि जो सत्ता बना करके या इंस्टीट्यूशन बना करके, ग्रुप बना करके आप दूसरे को फ्रीडम में हस्तक्षेप मत कीजिए और आप अपने धर्म को प्रमोट कीजिए और दो धर्मों के बीच में इक्वालिटी बनी रहे। और एक ही समुदाय के लोग हैं, उसमें कोई अमीर भी होगा, कोई गरीब भी होगा, कोई ऊंची तबका का है, कोई नीची तबका का है, कोई अलग कास्ट का है, कोई अलग कास्ट का है। जैसे मान लीजिए हिंदुइज्म ही है, तो हिंदुइज्म में भी क्या है कि कोई भगवान शिव की पूजा कर रहा है, कोई भगवान विष्णु की पूजा कर रहा है, कोई माता रानी की पूजा कर रहा है, काली दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी, कोई शीतला माता, ठीक है। तो इसके बीच में कोई भेदभाव नहीं है। और बाकी जो रिलीजन है जैसे क्रिश्चियनिटी, तो वहां पर है, देखिए बंटवारा हो रखा है। क्या है क्रिश्चियनिटी में कि कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है। या मुसलमान रिलीजन की बात करें, मॉमडर्न रिलीजन की बात करें, तो वहां पर सिया है, सुनी है। अगर जैन धर्म की बात करें तो श्वेतांबर है, दिगंबर है। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो उसके भी दो सेक्ट हैं। बौद्ध धर्म में कौन कौन से सेक्ट हैं, तो पहला जो है वो है हीनयान महायान, और तीसरा जो है उसमें एक तांत्रिक वाला हुआ है वज्रयान। तो उसमें कोई भेदभाव ना हो और सबको फ्रीडम रहे और सबके बीच में इक्वालिटी बनी रहे। इंडियन सेक्युलरिज्म डज प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल्स रिलीजियस फ्रीडम बाय मेंटेनिंग अ सेपरेशन फ्रॉम रिलीजन। और जो भारतीय सेक्युलरिज्म है वो क्या करता है, लोगों के रिलीजियस फ्रीडम को मेंटेन करता है। द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय रिलीजियस ग्रुप। जो भारत देश है वो किसी रिलीजियस ग्रुप से रूल नहीं होता है। इट ऑल्सो डज नॉट सपोर्ट एनी रिलीजन, और ये किसी धर्म को सपोर्ट भी नहीं करता है। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस सच एज लो कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसेस आर नॉट सपोज टू डेमोन्स्ट्रेट और प्रमोट एनी वन रिलीजन। भारत में जो कोई भी सरकारी कर्मचारी हैं या कार्यालय हैं, वहां पर जैसे कि पुलिस स्टेशन, सरकारी स्कूल या कोर्ट कचहरी, वहां पर आप किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। इंडियन सेक्युलरिज्म फॉलोज अ स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। और ये क्या करता है, अहस्तक्षेप की नीति अपनाता है। बट एट सम टाइम इट ऑल्सो इंटरवीन्स इन रिलीजन, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर यह कुछ धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी करता है। अगेन वी कैन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। हम लोग फिर से एक बार वो छुआछूत का उदाहरण दे सकते हैं जिसको आर्टिकल 19 के तहत हटा दिया गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैंस दिस प्रैक्टिस। तो भारतीय संविधान में इस चीज के लिए रोकथाम की व्यवस्था की गई है। इन दिस इंस्टांस द स्टेट इज इंटरवेनिंग इन रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड अ सोशल प्रैक्टिस दैट इट बिलीव्स डिस्क्रिमिनेट एंड एक्सक्लूड्स एंड दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ लोअर कास्ट पीपल। और यहाँ पर भारत सरकार का हस्तक्षेप इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि आप अनटचेबिलिटी के थ्रू, ये छुआछूत के तहत आप क्या कर रहे हैं, लोगों के बीच में आप भेदभाव कर रहे हैं और ये एक तरीके का इनजस्टिस है। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। और ये इंटरवेंशन जो है कुछ सपोर्ट के रूप में भी हो सकता है। इंडियन सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम दैट अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देर इज अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिका।
सेक्युलरिज्म, बट इन इंडियन सेक्युलरिज्म एज मेंशनड अबव द स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर। ये प्रश्न पूछ देता है कि बताओ अमेरिका भी खुद को सेक्युलर कहता है, इंडिया भी खुद को सेक्युलर कहता है, तो ये दोनों जगह का सेक्युलरिज्म कैसे अलग है? तो ये अलग इसलिए है कि अमेरिका में धार्मिक मामलों में सरकार बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन इंडिया में आवश्यकता पड़ने पर सरकार धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप करती है। इन इंडियन सेक्युलरिज्म दो द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, इट डज मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस विद द रिलीजन। तो सैद्धांतिक रूप से भारतीय धर्म निरपेक्षता जो है वह अलग है, पृथक है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, ये समय पड़ने पर जो है उचित एक्शन भी लेती है, और बाकी सभी धर्मों में या एक ही धर्म के मानने वाले अलग अलग लोगों में जो है उनसे ये बराबर दूरी बना करके चलती है। दिस मीन्स दैट एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजन बाय स्टेट हैज टू बी बेस्ड ऑन द आइडियाज लेड आउट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कोई सा भी इंटरवेंशन होगा या कोई सा भी इंटरफेरेंस होगा तो वो उन कानून और उन आइडियाज के तहत होगा जो कि भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। अब कुछ एक कीवर्ड, सेक्युलरिज्म क्या है? इट रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। कोर्शन क्या है? कोर्शन होता है बल प्रयोग, फोर्सिंग समवन टू डू समथिंग, किसी के ऊपर आप बल प्रयोग करके आप उससे अपनी बात मनवा रहे हो। इन द चैप्टर द टर्म रेफर्स टू द फोर्स यूज्ड बाय लीगल अथॉरिटी सच एज स्टेट। और इस चैप्टर में ये वर्ड जहां पर प्रयोग किया गया है उसका ये मतलब है कि आप सरकार जो है वो क्या कर रही है, बल प्रयोग, किसी के संपत्ति, लाइफ या किसी चीज को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे करके उससे कोई काम करवा रही है या उससे कोई बात मनवा रही है। फ्रीडम टू इंटरप्रेट, आपको धर्म की व्याख्या करने की अनुमति है। इट रेफर्स टू द फ्रीडम दैट ऑल पर्सन शैल हैव अंडरस्टैंड थिंग्स इन देयर ओन वे। आपको किसी चीज को अपने ढंग से समझने की छूट है। आप में से अगर किसी ने रामायण देखा होगा तो जब भगवान श्री राम जो हैं, ठीक है, वो रामेश्वरम में जाते हैं वहां पर साउथ इंडिया में, और वहां से पुल बना रहे होते हैं तो वहां पे शिव जी की पूजा करते हैं और मंदिर बनाते हैं। मंदिर बनाते हैं तो वहां पर पूछता है उनसे कि ये शिव जी जो है इनका नाम क्या होगा, तो बोलते हैं कि भाई इसका नाम जो होगा वो रामेश्वर होगा। तो पूछता है कोई उनसे कि ये रामेश्वर का क्या मतलब है, तो भगवान श्री राम जो है उसका जवाब देते हैं कि राम ईश्वर यह सह रामेश्वर, अर्थात राम का जो ईश्वर है वह रामेश्वर है। अब उधर सीन दिखाता है कि शिव जी जो है वह बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, तो पार्वती जी पूछती हैं कि भाई आप क्यों हंस रहे हैं, तो बोलती है कि देखो भगवान श्री राम जो है बड़े चालू हैं। बोला ऐसा क्या कर दिया, तो बोला देखो अभी उन्होंने रामेश्वर का मीनिंग बताया है और उल्टा मीनिंग बताया है, तो बोलता है आप सीधा मीनिंग बता दीजिए, तो बोलता है राम यस्य ईश्वर सह रामेश्वर, अर्थात राम जिसके ईश्वर हैं वह रामेश्वर हैं। ये क्या है कि राम भगवान को भी फ्रीडम है कि आप शिव जी का नाम का या रामेश्वर नाम का अपने ढंग से इंटरप्रिटेशन कीजिए, और शिव जी को भी ये फ्रीडम है कि भाई आप रामेश्वर वर्ड का अपने ढंग से इंटरप्रिटेशन कीजिए। इंटरवीन, इंटरवीन का क्या मतलब होता है, हस्तक्षेप डालना। इन दिस चैप्टर द टर्म रेफर्स टू द स्टेट्स एफर्ट्स टू इन्फ्लुएंस अ पर्टिकुलर मैटर इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इंटरवीन करने का क्या मतलब होता है, हस्तक्षेप डालना, और जब सरकार को लगेगा कि नहीं एक कोई विशेष मुद्दा है, कोई विशेष परिस्थिति है और इसमें सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, तो सरकार हस्तक्षेप करेगी। धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।